हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम सॉफ्ट टेक। आज मैं आपको बताऊंगा एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक एट्रीब्यूट का क्यों यूज़ किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे आप एक एंकर टैग ले लेंगे। इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे मैं क्लिक पे एक इमेज ओपन कराऊंगा जो मेरी इमेजेस के फोल्डर में है, जो न्यू डेस्कटॉप पे न्यू नाम के फोल्डर पड़ा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, लोकेशन इमेजेस डॉट गूगल डॉट जेपी। ये मैंने फाइल सेव कर दी। ये देखिए, ये मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे न्यू नाम से, और इसके अंदर ये इमेजेस है। यहाँ पे गूगल की इमेज पड़ी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको लिंक करा रखा है। अब देखिए, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा क्लिक मी पे, तो हमारी इमेज ओपन हो जाएगी। ये देखिए, इमेज ओपन हो गई। अब टारगेट ब्लैंक का क्या यूज़ होता है, जैसे कि अभी जो हमारी इमेज हो रही है वो सेम टैब पे खुल रही है, इसी टैब पे खुल रही है। टारगेट ब्लैंक की हेल्प से हम इसको इस टैब में ना खोल के इस नए टैब में खोल सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको कोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा, और टारगेट, और यहाँ पर आपको ब्लैंक। अब देखिए, कंट्रोल एस करके फाइल मैंने सेव कर दी है। अब मैं ब्राउज़र पे इसका आउटपुट देखूंगा। जैसे ही मैं क्लिक मी पे करूंगा, अब ये सेम टैब पे ओपन ना होके नए टैब में ओपन होगा। देखना, ये देखिए, क्लिक मी का लिंक आपका यहाँ है, न्यू टैब पे आप इमेज ओपन हुई है। दोबारा देखिए क्लिक मी पे। तो इस तरीके से टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया जाता है। और अगर हमको इसको इसमें टाइटल एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, तो ये देखिए टाइटल डालना है सिंपल। आपको यूज़र को बताना है कि इसमें कुछ, अगर कोई वैल्यू डालनी है, कुछ भी डालनी है, तो यहाँ पे मान लो मैं डाउनलोड डाल देता हूँ, या कुछ भी डाल देता हूँ, या गूगल डाल देता हूँ जिससे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। जैसे ही मैं इस क्लिक मी पे कर्सर ले जाऊँगा, तो ये देखिए आपको गूगल लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये टाइटल से होता है, इमेज की वैल्यू डालना। टाइटल से आप इमेज का डाल सकते हैं, किसी के भी आप टाइटल डाल सकते हैं अपने बॉडी। तो और अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने आपको नेम एट्रीब्यूट के बारे में बताया है। और गाइस, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको एंकर टैग के डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में बताऊँगा, कैसे इसका यूज़ करते हैं। And thank you so much watching this video.